हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हमारे स्नेक प्लांट में फ्लावरिंग हुई है और काफ़ी टाइम से हम इसको इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इसको साइड में रखा हुआ था और सब प्लांट देख रहे थे, तो दो स्टिक इसमें निकली हुई है, एक थोड़ा छोटी है और एक बड़ी है। काफ़ी फर्स्ट टाइम मैंने देखा है फ्लावरिंग इसमें। और एक स्टिक देखिए, अभी सुबह मॉर्निंग में मैं वाटर डाल रही थी प्लांट में, तो अचानक से मेरी नज़र पड़ी तो देखा इसमें जो है दो प्यारी प्यारी स्टिक निकली है। इसमें जो है छोटी छोटी सी ये बने हुए हैं डिज़ाइन, तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है और इसमें बहुत अच्छी लग रही है और बहुत लंबी स्टिक निकली है। ऐसे ही कलर की भी है, जैसे इसकी लीफ होती है थोड़ा सा ये स्टेम जो है कलर चेंज है। तो कभी कभी अभी ऐसा होता है ना, किसी प्लांट पर ज़्यादा केयर नहीं करो, ध्यान नहीं दो ना, तो वही इसके साथ भी हुआ। तो ज़्यादा मैं केयर नहीं कर रही थी, बस पानी वगैरह डाल देती थी। और अभी तो शायद कई दिन से वाटरिंग भी नहीं करी है, जैसे और सब में होता है कि बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करो जब बाढ़ आने लगे। तो इसका तो मुझे कुछ भी पता नहीं, डायरेक्ट मेरी बस इस नज़र गई। आप लोग यकीन जानिए कि बस मैंने इसको पूरा खिला हुआ ही सुबह मेरी नज़र गई है। तो ये बालकनी में था ना, तो टेरिस पर आजकल चली जाती हूँ तो इधर ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो आज ही सुबह मेरी नज़र पड़ी, तब मैंने देखा कि ये दो स्टिक निकली हुई है। कब निकली, कब खिली, मुझे कुछ खबर नहीं है, अचानक से मैंने देखा तो देखकर बड़ी खुशी हुई। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लें। और इसी प्लांट से ही मेरा 1 ईयर से ज़्यादा ओल्ड पुराना प्लांट है। और तो जो है देखिए, इसमें फ्लावरिंग हो गई, बहुत अच्छे, बहुत खुशी हुई। और मैंने बहुत सारे इससे, मेरा सबसे पुराना प्लांट है तो मदर प्लांट है, इससे बहुत सारे डिवाइड करे, छोटे पॉट में, बड़े पॉट में, सब में मैंने लगाया। तो ये भी जैसे लग रहा है कि स्टार्ट, तो इसकी प्रोपेगेशन तो लीफ से भी हो जाती है और डिवाइड करके सबसे ज़्यादा ईजी होता है। तो बहुत मैंने इसकी डिवाइड करे हैं और बहुत रख भी दिए हैं। ये बहुत ही हार्डी और एयर प्योरीफायर भी प्लांट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इंडोर आउटडोर हर में हर तरह से चलता है, वाटर दो नहीं दो, और ज़्यादा भी हो जाए, ओवर वाटरिंग भी हो जाए, तो ये कभी प्लांट मरता ख़राब नहीं होता है। आपके गार्डन में एक बार आ गया तो हमेशा ये बना रहेगा। तो इस प्लांट को ज़रूर हमेशा रखें अपने घर में। और देखिए, मैंने ध्यान नहीं दिया तो इसने फ्लावरिंग कर दी कि मेरी तरफ ध्यान दो, मुझे भी देखो। तो बहुत मुझे खुशी हुई। और इसको डिवाइड कर करके खूब सारा बना सकते हैं, लगा सकते हैं। और इस तो देखिए, आपके पास भी ऐसे प्लांट हो तो आप लगा कर छोड़ दीजिए। अब लगता है ये ओल्ड हो जाता है तभी इसमें से निकलने लगता है। खूब लंबी स्टिक अंदर से यहाँ बीच से निकली हुई है, यहाँ से जहाँ से लीफ निकल रही है छोटी सी, वहीं से ब्रांच इसकी निकली हुई है। तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है नीचे से। और दूसरी वाली भी यहाँ से निकली है, देखिए ये दूसरे प्लांट है, इससे थोड़ा सा बड़ा है, ज़रा सा फ़र्क है, लेकिन इसमें ये स्टिक इससे ज़्यादा बड़ी लंबी निकली हुई है। तो ये प्लांट आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए, एयर प्योरीफायर में, इंडोर आउटडोर सब में लगाइए। बहुत ईजी है, बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो डिवाइड भी खूब सारा करते रहिए। अब नहीं है तो कहीं से भी ले आइए, लीफ ले आइए, कुछ भी ले आइए, तो लगा दीजिए, बहुत सारे बन जाएंगे, एक से हज़ारों प्लांट बन जाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, फ्लावरिंग मैंने आपके साथ शेयर की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।